तो गाइस कैसे आप सब? और ये कैमरे को देख के रो रहा है सब। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ, उठा रो। तो गाइस उसको उठा ले तो पहले। ओए तो गाइस मेरे बुखार हो रहा है, इसके बहुत ठंडे हाथ है और मैं दवाई भी लेके आऊं। पीयू पीयू पीयू। तो गाइस मैं दवाई भी लेके आऊं। और एक बुरी बात ये कि कल मुझे जाना है और अभी मेरे जुकाम और बुखार हो रहा है। बुखार ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बुखार है और बॉडी पूरी फोट हो रखी है बुखार से और कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। और अभी मैं लेटा ही था बिस्तर पे, आराम कर रहा था चाय पी के। हाँ ये ले पानी पिला रहे, पानी पिला देते। बाबू कुकरे खाएगा, ऊपर ऐसे पैकेट खुला पड़ा है तो मम्मी ने इसकी मना कर देगा। तो गाइस मैं ये कह रहा था, तो गाइस मैं एक जैकेट लाया हूँ विंटर के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही जैकेट थी और जो दो जैकेट थी ना उसको चूहे खा गए थे। उनका दिखाता हूँ, अभी चूहे खा गए थे तो वो जैकेट खराब हो गई दोनों की दोनों। तो एक जैकेट मैं लाया हूँ अभी, और मैं लाया था जाफराबाद, दिल्ली में जो जाफराबाद है वहाँ से लाया था। वो पूरी जैकेट की मार्केट है और मैं मेट्रो से गया था, सोचा था कि मैं वीडियो बना लूँ। फ़ोन की जो बैटरी थी ना 15% थी, तो 15% में कैमरा अलाउड नहीं करता फ़ोन, और इसलिए मैं फिर वीडियो भी नहीं बना पाया। तो गाइस मैं आपको जैकेट दिखाता हूँ, उसका कलर भी अच्छा लगा मुझे और उसका स्टाइल भी अच्छा लगा। वो पीछे रखी है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये चेन खोल के इसका डिज़ाइन है और मैं चेन करके बंद करके दिखाता हूँ इसकी चेन। डबल स्लीव है और ये देखने में ऐसी लग रही है, भाई बाइक चलाने में काफी मदद करेगी ये चीज। और मैंने इसमें टैग भी उतारा और इसमें जिप भी काफी है। क्या बाबू खोलू? अरे एक तो खोली गया, देखो एक तो खोली गया, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो गाइस छाती में ना जुकाम जम रही है, तो घर में मोमोज आए थे इसलिए मैंने खाए भी नहीं है। और अभी मैंने भाभी को दलिया बनाने के लिए बोला, दलिया बनेगा तो दलिया मेरे को दवाई, और दवाई लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, उम्मीद करता हूँ ठीक हो जाऊंगा। ज्यादा लंबा प्रोसेस ना हो, क्योंकि कम से कम मुझे 5-6 दिन लगते ठीक होने में। और अभी मेरा तीसरा दिन है, दवाई ले रहा हूँ मैं जुकाम की। तो गाइस ये इसका लुक है, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक एलेक्स्ट्रा चेन लगी हुई है ताकि कोई चेन वेन खराब हो जाए तो मतलब उसका। और ये ब्रांड वाली चेन लगी, नॉर्मल चेन ही लगी हुई। और ये मात्र गाइस मुझे 1500 में पड़ी है। क्या हुआ भाई? पहले 1800 बोला था, फिर काफी मतलब मैंने रिक्वेस्ट करी तो 1500 में फाइनल करी मैंने बात उससे। और ये जो कलर है ना, मेरे को कलर बहुत अच्छा लगा इसका, और वहाँ पे कलर बहुत अच्छे अच्छे थे। नॉर्मल जैसे ब्लैक और रेड ब्लू मिलते हैं ना, वैसे कलर नहीं थे। एक ऐसा जो येलो है ना पीछे मेरे जैसे येलो, ऐसे कलर की भी जैकेट थी, और मैरून कलर की भी जैकेट थी, और ग्रे कलर की भी जैकेट थी। तो गाइस ग्रे कलर की भी जैकेट थी, तो मन कर रहा था दो ले लूं, लेकिन मेरे को अभी एक ही चाहिए। सर्दी तो अभी दिसंबर चल रहा है, 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे को दो जैकेट जो मेरी ख़राब हुई है उसका तो खैर अफसोस नहीं है। वो एक्चुअली इतनी ख़राब नहीं हुई है, उसको मैं किसी को दे सकता हूँ, इतनी ख़राब है। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? कुरकुरे खा के पानी घोटती है ये, जले दूसरी बार पानी पी रहा, दूसरी बार बस जरा सा पिए। तो गाइस 2-3 दिन से ख्यांच बीमार हो रहा था, और अभी मैं हाय गाइस, ये तो बाबू मोमबत्ती देखो, कैंडल है, कैंडल केक के ऊपर लगती है। हाँ कैंडल, हाय गाइस। तो गाइस 2-3 दिन से ना, एक हफ्ते से ना ख्यांच बीमार हो रहा था, अभी इसने दवाई ले लेके ठीक हुआ है, अभी जस्ट ठीक हुआ है, और अब मैं बीमार हो गया। और सबसे बुरी बात गाइस ये है कि कल हमें जाना है टूर पे, पूरे दिन वहाँ पे घूमना पड़ेगा, मतलब ठंडी हवा भी लग सकती है। और आज मेरा मन नहीं कर रहा था गाइस बिस्तर से उठने का, क्योंकि बीमार था मैं सुबह से ही, कल तो इतना नहीं था, आज ज़्यादा बीमार था। तो फिर भी मैं मतलब थोड़ा अपने आपको पुश करा और मैं जैकेट लेके आया वहाँ से मेट्रो से। सोच रहा था बाइक पे जाऊँगा, लेकिन बाइक पे अगर नॉर्मल होता तो जाता। हाय गाइस, कैंडल, हैप्पी बर्थडे कैंडल, कैंडल। तो गाइस अगर वहाँ पे मैं बाइक से आता ना, तो अभी मेरी हालत जो है ना ऐसी जो है ना, मैं पूरा बिस्तर पे और मेरी आंखें लाल हो जाती और पूरा मुझे बुखार चढ़ जाता। और नॉर्मल होता ना
नॉर्मल होगा, तब भी बाइक से जाने का आइडिया बहुत बेकार है। यहाँ से बहुत दूर दिखा रहा था मुझे, कम से कम 20 किलोमीटर दिखा रहा था जाफराबाद, और मैं मेट्रो से गया था, तो मेट्रो से मेरे को काफी मतलब कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गाइस मेट्रो में जाने का ये फायदा हो गया कि मेट्रो में हीटर चलता है, जिससे कि गर्मी मिली और ठंडी हवा से बच गया मैं। तो गाइस अभी मैं दवाई लेके आया हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि जो कल ली थी ना दवाई, उसकी लास्ट दवाई मेरे पास अब पड़ी है, और जो मैं तीन टाइम की जो दवाई अब लेके आया हूँ ना, वो मैं कल दिन में खाऊंगा, कल मतलब पूरे दिन वो दवाई खाऊंगा। तो और वैसे भी कल संडे है, तो कल तो वो डॉक्टर की खुलती नहीं है दुकान। भाई जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ ना, वो डॉक्टर की दुकान बंद रहती है संडे को। कैंडल लेके बाबू चलते भी कैंडल लेके नीचे, मम्मी भी वहाँ पे सफाई कर रही है आपकी, तो गाइस भाभी ना नीचे सफाई कर रही है। तो गाइस मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, वहाँ पे लालीपॉप उठा रहा है, लालीपॉप गिरा दिया भी जबरदस्ती में, जिद करके लालीपॉप गिरा दिया, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। जब वो लेके वाइपर में निकालूंगा, वाइपर के डंडे से, जाओ वाइपर लेके आओ, जाओ हाँ वाइपर लेके जाओ, अब लेके आएगा। तो गाइस मैं कुछ चीज दिखा रहा था, ये देखो ये वहाँ पे सब एक्टिविटी होगी जो मैंने अब थोड़ी सी कल आपको बता दी थी, थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे खाना पीना भी है, बेवरेजेस में देख लेते हैं, जलजीरा लस्सी लेमन वाटर, ये तो नॉर्मल है। और ब्रेकफास्ट होगा 9:30 से 11 बजे के सुबह सुबह, तो हम यहाँ से 8 बजे चल देंगे, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। और इडली सांभर स्टफ पराठा पूरी भाजी ये सब मिलेगा वहाँ पे, मिंट कड़ी चटनी। और लंच होगा 1 बजे से 3 बजे, मतलब 2 घंटे का ब्रेकफास्ट है, 2 घंटे का लंच है। इसमें दाल कड़ी चावल, दाल कड़ी पकोड़ा, सीजनल वेज सारे मतलब देख सकते हैं आप। इसमें ये है, दिखा मैं निकालू आपको, दिखा लिया है, लिया है, दिखा मैं निकालू, हट जा, मैं निकालू, हट जा, हट जा, यहाँ पे रखे गया सेफ, जा रखे दरवाजा खोल कर, उधर रखे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा चाइनीज मिल जाएगा, जैसे इटालियन मिल जाएगा, देसी पास्ता, वेज पकोड़ा, फ्रेंच फ्राइज और जलेबी, जलेबी मिलेगी। और चाट काउंटर में आपको गोलगप्पे, दही बल्ले, पापड़ी चाट और भेलपूड़ी। और इसका टाइम खाली 1.5 घंटे के लिए, 4 से 5:30 के बीच में। और गाइस यहाँ पे एक्टिविटी देख सकते हैं आप, ये सारी एक्टिविटी है। हाँ एक जब आप खोलो जाओ, खोल जाओ जाए, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, तब तक बस वो ट्रैफिक खोल देता हूँ, ये सारी एक्टिविटी होगी इसमें। नीचे उठा उसको, देखो गाइस इंडोर गेम्स भी है, एयर हॉकी ये मुझे पता नहीं है, फूसबॉल का मैंने आपको बता दी थी, पूल टेबल आपको पता ही होगा, टेबल टेनिस भी आपको पता ही होगा, और वाटर बेस्ड एक्टिविटी है स्विमिंग पूल। अब सर्दी है तो स्विमिंग पूल का मुझे लगता नहीं कुछ होगा, अगर होगा तो मतलब स्विमिंग पूल में जाने का नहीं होगा, ठंडे पानी में कौन जाएगा सर्दी में। और गर्म अगर यार उसको गर्म कर रखा होगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा 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 जाने दे सकते हैं, या तो ये होगा मैंगो वाली टॉफी खोल दूँ, ये दे मैंगो वाली टॉफी, थैंक यू बोल, क्या बोला, थैंक यू बोल, चाचू थैंक यू। गाइस अभी थोड़ा बीमार था, महसूस कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, और मैं उम्मीद करता था मैं ठीक हो जाऊँ, नहीं तो मैं कल जा नहीं पाऊंगा, हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। वैसे तो मैं बैकअप के लिए दवाई ले आया। तो गाइस मोहल्ले में थोड़े कुत्ते वगैरह लड़ाई वड़ाई होगी शायद। तो गाइस स्पेशल अट्रैक्शन देख सकते हैं आप, आबरा का डाबरा, जो मैंने आपको कल बताया था, कोई मैजिकल चीज होगी, ये मैजिकल प्लेस होगी, कठपुतली डांस, पोटरी क्लेस, पोटरी क्लासेस, पोटरी मतलब कि जैसे कुछ कुमार उमार ये मटके बनाते हैं शायद, वो क्लास होगी, वो क्लासेस जो होती है। और यहाँ पे राइड भी है गाइस, कैमल राइड है, हॉर्स राइड है, ट्रैक्टर राइड है, ये मैं आपको कल ही दिखा दूंगा। तो गाइस कल सब चीजें क्या हो गया बाबू, तो गाइस ये सब चीजें है ना, जितना भी खाना है उसकी टाइमिंग भी दे रखी है और कुछ एक्टिविटी भी है। तो गाइस बहुत सी एक्टिविटी है तो उसको मेंटेन करके टाइमिंग को सारा काम करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे लंच का टाइम 1 से 3 बजे का है और मैं 1 बजे से पहले जाता हूँ या 3 बजे के बाद जाता हूँ, तो लंच मुझे नहीं मिलेगा, लंच खत्म हो जाएगा या बंद कर देंगे, जो भी उनका वो रहेगा। तो मुझे खाने पीने का भी टाइमिंग देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से खाना पीना करना पड़ेगा, और मेन तो मतलब खाना पीना का देखना पड़ेगा टाइमिंग, अगर कुछ खाना होगा तो, नहीं तो एक्टिविटी जो है वो तो आपको पूरे दिन खुली है, एक्टिविटी में आप कभी भी जा सकते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें कल होने वाली है और कल बहुत मजा आने वाला है, और मैं आपको दिखाऊंगा कल कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें, और शुरुआत से लेकर एंड तक शायद 3-4 वीडियो बन जाए, मैंने आपको पहले बताया था। तो गाइस मैं इस वीडियो को ना यहीं रुकता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।